हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, जी हां, यूपी ट्रिपल SC की तरफ से सहायक लेखाकार कोषागार की भर्ती जो 2016 में निकाली गई थी, उसमें लेखाकार वालों को तो अब लगभग नियुक्ति मिल चुकी है या नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोषागार का अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट में लटका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोषागार की जो वैकेंसी थी 540 पदों को, उसका विज्ञापन वापस ले लिया था, तब से ये कोर्ट में मैटर चल रहा है। फिलहाल कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, अभी सुनवाई थी, फिलहाल जो कल सुनवाई थी उससे संबंधित आप अपडेट देंगे और क्या चल रहा है आपको ये सारी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। क्या जीत मिल पाएगी अभ्यर्थियों को, देखें रिपोर्ट क्या चल रहा है कोर्ट में। तो चलिए हम देखते हैं पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। जी हाँ, देखिए कल के जो ऑर्डर अपडेट हुआ है उसमें ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज लिस्ट दिस केस ऑन 30वीं एडिशनल कॉज लिस्ट। तो कल सुनवाई थी, वो सुनवाई नहीं हो पाई है। पिछले कई तारीखों से लगातार सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि 19 तारीख को सुनवाई थी जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। उसके अलावा अगली डेट 27 को लगी, फिर वही हालात थे, फिर 28 को फिर वही हालात थे, अब 3 तारीख को आपकी सुनवाई है एडिशनल कॉज लिस्ट में। अब समस्याएं क्या हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया को इतना लेट किया जा रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना लेट किया जा रहा है, अब क्या कारण है इसका, इसका कौन जिम्मेदार है ये पता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हैं हम आपको मेन भर्ती संबंधित बताएं कि क्या हो सकता है केस में। देखिए, केस में दोनों जो पक्ष हैं वो अपना सबमिशन दे चुके हैं, अब बहुत कुछ बचा नहीं है इस केस में। उम्मीद है कि इसकी सुनवाई जो है, अगर अब एक दो केस अगर लगातार 2-3 हियरिंग हो जाती है ढंग से, तो इस केस को लगभग कंप्लीट किया जा सकता है। तो टोटल अगर सुनवाई हो जाती है तो अगले महीने तक ये केस फाइनलाइज हो जाएगा, यानी कि अप्रैल तक ये केस लगभग ख़त्म होने की संभावना जताई जा रही है। अगर अप्रैल तक अगर ये केस समाप्त हो जाता है तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगी। पॉजिटिव न्यूज़ क्या हो सकती है, देखिए एक बार सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यर्थी यानी कि जो प्रमोशन वाले थे, अगर उनका केस होता तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों की यानी कि कोषागार अभ्यर्थियों की जीत की उम्मीद थी। लेकिन अब समस्या ये है कि सरकार ने खुद इस अध्याचन को वापस लेने की बात की है, यानी कि सरकार ने खुद इस अध्याचन को वापस ले लिया है। तो फिलहाल इस भर्ती में बहुत कुछ उम्मीदें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो पिछली भर्ती यानी कि 2015 में भी इसकी भर्ती हुई थी, जिसमें कि काफ़ी और इसी यही एकमात्र बेस बचा है जिसको भर्ती लेने के लिए। फिर सरकार के पास जब 2-2 बार इंटरव्यू हुआ तो आखिरकार इंटरव्यू के समय ही भर्ती क्यों नहीं रद्द की, ये सारे सवाल भी उठेंगे। तो इन सारे सवालों को जवाब सरकार को देना होगा, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल रेट है कि उम्मीद देखिए 50% का है। अभी केस किसी भी तरह से झुक सकता है, यानी कि अभ्यर्थियों के पक्ष में भी झुक सकता है और फिलहाल सरकार के भी पक्ष में झुक सकता है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कोर्ट आदेश ना जारी कर दें। फिलहाल हमेशा अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत होता है, कोर्ट हमेशा अभ्यर्थियों की बात सुनती है, इस वजह से उम्मीद ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए ही है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग इस केस में लगे हुए हैं, अपना समय ज़्यादा ना गंवाएँ, वो दूसरी भर्ती की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो उनका सब कुछ खो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें, कोर्ट केस भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखें, लेकिन अपना ज़्यादातर जो ध्यान है कोर्ट केस की ओर ना देखें, अपनी तैयारियों पर रखें। तो फिलहाल ये रही अपडेट, आगे जो भी अपडेट मिलती है हम आपको फिर से अपडेट देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।